मौर्य चला है डायपर बेचने। मौर्य आज इसने सुबह सुबह काम पकड़ा, अब कपड़ों को छोड़कर डायपरों के पीछे पड़ गया। ये देखो डायपर, तो ये हाल है भाई जी डायपर। अभी डायपर बेच रहा था, अब पोहा खा रहा है। पोहे से याद आया, सबसे पहले तो आज हम बता दें कि ब्रेकफास्ट में हमने बनाया है पोहा, जिसमें मटर भी है, पीनट्स भी है, पोहा भी है, प्याज भी है, टमाटर भी है, कुछ ब्राउन ब्रेड पड़ी थी, मैं सोचा क्यों ना निपटा देते, काफ़ी दिनों से पड़ी हुई थी, एक एक दो दो करके लाया जाता था, वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, तो उसमें देसी घी लगाया जाएगा, बाबा रामदेव वाला, जो मैं इसी रखी हूँ ना, से आशा इबू निखाना था आशा बाद दो दिखाना, पहले हमने ये निपटा देना बाबा रामदेव वाला। तो पोहे से याद आया गाइज, पोहा सबसे ज़्यादा किस स्टेट में चलता है? अब देखो हंसने की आवाज़ आ रही है ना, अपना आप ही हंसता है, हम कुछ नहीं बोलते इसको। तो पोहे से याद आया कि सबसे पहले आपको मुझे ये बताना है कि सबसे ज़्यादा पोहा भारत के किस स्टेट में खाया जाता है, ये मेरे क्वेश्चंस का जवाब देना है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ। वैसे तो मुझे गुजरात भी लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पोहा ही वहाँ चलता है। और दूसरी बात एक और भाई जी, अगर शादी नहीं हुई है ना, तो डायपर कैसे पहनाया जाता है ना, ये सीख लेना शादी से पहले, ये तो शादी के बाद इतनी गालियाँ पड़ने वाली है ना, क्योंकि लेडीज़ जो होती ना, माँ जो होती ना, जब उनको वो भी ऑब्वियसली माँ पहली बार बनी होती है, जब वो काम करती है ना, तो अपने आपको ये दिखाती कि बस हम ही हैं जो काम करते हैं, मर्द तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। डायपर तो इनको ही चेंज करना होता है, सब कुछ इनको ही करना होता है, ठीक है, लेकिन हमें टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन भाई जी अगर इन चीज़ों से बचना है ना, तो डायपर कैसे चेंज किया जाता है ना, ये ज़रूर सीख लेना। मैं तो सीख गया हूँ डायपर चेंज करने वाला, डायपर चेंज करना तो मुझे अब आ गया है। पहले ये हरे कलर का इसमें जो निशान होता है ना, ये फ्रंट पे आएगा, और हाँ इसमें आगे हरे कलर का जो निशान होगा ना, वो फ्रंट पे आएगा, तो ये याद रहे, ये आपको फ्रंट पे लाना है, तो आप डायपर सीख गए। रही बात ये, मैं अपनी वाइफ को टाइम इसलिए देता हूँ क्योंकि मेरा बिजनेस ही ऐसा है, महीने में एक दो टूर आएंगे, महीने का कोटा फुल हो जाएगा। लेकिन कई बार मेरी वीडियो देखने के बाद कई बार लेडीज़ जो है, आप लोगों की वाइफ जिनकी शादी हुई, बोले कि देखो यार आदमी कितना काम करता है अपनी वाइफ के लिए। तो पहले तो मैं उन बहनों को बता दूं कि सबके काम जो है ना अलग अलग है, ठीक है। कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाता है। मैं अपने बच्चों को टाइम दे पा रहा हूँ, कई लोग नहीं दे पाते क्योंकि मेरा अपना बिजनेस है। जैसे पता आपको मेरी ट्रैवल एजेंसी है वाइल्ड कैंपिंग टूर एंड ट्रैवल, तो महीने के दो तीन टूर आ जाते हैं तो मेरा महीने का कोटा फुल हो जाता है, मैं उसमें ही पूरा कर लेता हूँ। ज़्यादा मुंह खोलोगे ना भाई जी, मक्खी घुसेगी। तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं मदद कर रहा हूं, घर में काम करा रहा हूं, तो मुझे टाइम मिलता है, मेरा अपना बिजनेस है। लेकिन जिनका अपना बिजनेस भी ना, वो भी टाइम नहीं दे पाते क्योंकि सबका बिजनेस अलग अलग है, जॉब अलग अलग है। तो अपने हस्बैंडों को तंग ना करें इस चीज़ को लेकर, मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि सबकी नौकरी अलग अलग होती है भाई जी, ठीक है। तो सब बिजनेसमैन भी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं हो पाता है, कईयों के पास होता है, कई बार प्राइवेट नौकरी वाले तो उनके पास बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। तो इस तरीके की मेरी वीडियो के बाद तंग ना करें कि मैं बहुत केयरिंग करता हूँ अपने बच्चे की, अपनी वाइफ की, काम करता हूँ, काम इस करके हेल्प करता हूँ, क्योंकि मैं, मेरा जो काम है वो वर्क फ्रॉम होम वाला है, बुकिंग आ गई तो निकल गए, नहीं तो यही है, तो इसलिए तंग ना करें। तो ब्रेकफास्ट किया जाएगा, पाड़ा जाएगा, गर्म गर्म चाय बन रही है, और मैं आपको बता दूँ फ्राई पैन में हमने जो है, एक मिनट हटी जरा मैडम, ये देखो देसी घी लगा के, बस ब्रेड ये थी, अरे वो एक्सपायरी होगी। अच्छा एक्सपायरी होगी, समझदार भी है। कैसा लग गया मेरा मजाक? तो मिलते हैं लंच पे, क्या होता क्या नहीं। गाइस टाइम हो चुका है 2, और आज सब लोग जो है ना मकर संक्रांति बोलते हैं, खिचड़ी बनाते हैं। तो हमारे एक अंकल है, फौजी अंकल है, जो रिटायर्ड है, कथेड़े में रहते हैं, उन्होंने बोला कि खिचड़ी के है 3 यार, पापड़, दही और अचार। मैंने सोचा यार अच्छा टाइटल है, बढ़िया टाइटल मिल गया। बाकी आप लोगों को पता होगा किस किस डिस्ट्रिक्ट में, किस किस देश में क्या है क्या नहीं, कैसे खिचड़ी बनाते हैं, पंजाब में, हरियाणा में। फिलहाल ये जो मेरे को बताया वो कांगड़ा के हैं, फौजी अंकल रिटायर्ड है, तो उन्होंने मुझे दिया है खिचड़ी, और साथ में इन्होंने मुझे दिया पापड़, पापड़ के साथ डाला उन्होंने खट्टे का अचार जो आप दिख रहे हैं यहाँ पर, और देसी घी भी इसमें डाला है। तो मैंने बोला अंकल जी ये क्या चीज़ है, बोले हमेशा ध्यान रखिए बेटा खिचड़ी के है 3 यार, पापड़, दही और अचार, घी भी ले लो। बोला मैंने यार ये तो टाइटल बढ़िया, फर्स्ट क्लास हो गया। तो आज लंच में खाने को बहुत कुछ है, चावल मुझे मिल गए, चावल बढ़िया, तो चुका आपसे चाहिए, और वैसे भी हमने दाल में तुड़का मारा था, मैंने क्या इसने मारा था दाल में तुड़का, मेरी वाइफ ने, जो दाल कल की बची हुई थी मौर्य ने खा लिया है, इसकी मम्मी भी खा चुकी है, और मैं दही और
मिर्च का जो मिर्च की चटनी लाल वाली ना वो अंकल बनाते, बड़ी टेस्टी बनाते, यम्मी। तो गाइस फिलहाल यही है, मौर्य सो चुका है, दूध पी के ऑलमोस्ट सो चुका है। तो अब अप्पा जरा पाड़ी है, बहुत तेज भूख लग रही है। और हाँ, टाइटल का जरूर याद रखिए, खिचड़ी की है, तीन यार, पापड़ दही और अचार मेरे यार। तो देखते हैं क्या होता है, शाम को क्या मिलता है क्या नहीं। फिलहाल अप्पा जरा रोटी खाइए, बहुत तेज की भूख लग रही है। मैं अपनी गाड़ी की वॉशिंग कराने के लिए गया था और दही तो मापा ऑलरेडी था, तो अब खाएंगे। उसके बाद फिर 3:30-4 बजे देखते हैं, 4:30 बजे न्यूट्री। आज सोच रहा हूँ न्यूट्री खा लूँ, कल भी सोचा था, लेकिन आज सोच रहा हूँ कि न्यूट्री खाऊं नहीं खाऊं, लेकिन डबल माइंड है, कोई बात नहीं, देख लेंगे क्या होता क्या क्या नहीं होता। तो मिलते हैं शाम को कि क्या डिसाइड होता है डिनर को लेकर। और गाइज अपना ध्यान रखिए, और बहुत सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों का। तो फिलहाल अभी कुछ नहीं है, अभी हमने जो है खाना खाना है दब के, ठीक है। और रात का ब्लॉग देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। ये क्या था इसमें, अच्छा प्याज था, ठीक है गाइस मिलते हैं शाम को। टाइम हो चुका है 8:30 और आज मैं जिम गया नहीं, दोबारा असर है। तो आज मैं जिम गया नहीं क्योंकि थोड़ा ठंड थी बाहर आज, इस करके मैं जा नहीं पाया। और कोई नहीं, आज ढंग से पाड़ा गया तो कल जिम किया जाएगा। कल है बाइसेप एंड ट्राइसेप्स, खाने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ लाया गया है। और अभी न्यूट्री जो मैं खा चुका था अपनी, थोड़ी बहुत मेरे से ज़्यादा जो है ना बच गई थी न्यूट्री, मालपूड़े। मैं वैसे ही नहीं खाता मालपूड़ों को, बाकी कमेंट्स कर देना भाई जी किस किस को पसंद है किस किस को नहीं। बाकी मुझे तो मालपूड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एक तो उससे सुस्ती पड़ती है, भूख मरती है, आदमी को सोया ही रहता है। इसको अगर कोई 5-6 खा लेगा ना तो लंबा पड़ा रहेगा, लेट ही रहेगा, मतलब लेटा रहेगा। और सब्जी क्या क्या है अपना, तो कोटा भाई साहब बचा है, तेरा मुझे पता नहीं, लेकिन अपना जो है कोटा बचा हुआ न्यूट्री। और कड़ी भी है, कड़ी की शक्ल तो कुछ ऐसी लग रही देखने को, किसमें चूल्ली बांधे कड़ी की, मैंने बोला कड़ी की शक्ल देख के तो ऐसी लग रही थी, बोल रही है तो चूल्ही के ऊपर बनी होती, चूल्ही मतलब वो चूल्हा होता है लकड़ी की नहीं मिट्टी का, उस पर बनी होती, दिखा जरा। तो प्याज टमाटर का तुड़का लगाया जाएगा चावल में, ये देखो कड़ी चावल जो है ना दिन के बचे हुए थे, ये देखो इसी में तुड़का मारा जाएगा। और दूध उबालोगे, कितनी आइटम है, कड़ी और ये दाल है ना, दाल होगी कुछ ना कुछ, है ना। तो फिलहाल आज का ब्लॉग इतना ही, जिम गया नहीं तो भाई साहब हंस रहे थे, और किसी ने मुझे कमेंट किया ये तब हंसता जब आप खुद ही बड़बड़ाते रहते हो ना, ये कि पापा क्या बड़बड़ा रहे, तब ये हंसता है। किसी ने कमेंट किया था, नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी। तो ज़बरदस्ती हंसेगा, नहीं भी हंसने का मन होगा तो ज़बरदस्ती हंसेगा। तो थैंक यू यार, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों का, मेरी व्यूज़ वॉच टाइम बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, और इस तरीके का प्यार मिलता रहेगा तो भाई लोगों मज़ा आ जाएगा, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। और अपना प्यार देते रहिए, और मानना पड़ेगा जनता पावर अगर चाहे तो किसी को भी उठा सकती है, किसी को गिरा सकती है, ये तो मुझ मैं क्या, ये तो पूरी दुनिया जानती है। कई लोग नहीं जान पाते, वो जब जान जाते हैं तब सब कुछ हाथ से जा चुका होता है। तो मैं इस तरीके का इंसान नहीं हूँ, और जो कुछ भी है इतना कम समय में जो मुझे सपोर्ट मिला है ना आप लोगों का, ऐसा मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा जो मेरे वीडियो को देखता है। अगर भाई अगर मेरी किसी बात से किसी को बुरा लग रहा हो तो उसके लिए मैं आपसे दिल से सॉरी मांगता हूँ, अगर किसी बात का बुरा लग जाता तो कोशिश करता हूँ कि मेरे मुँह से कुछ ऐसी बातें ना निकले, क्योंकि मेरा प्लान नहीं होता कि मुझे वीडियो बनानी तो मुझे क्या बोलना है क्या नहीं, कि पहले मैं डिसाइड करके बैठ जाता हूँ। जो ऐसी चीज़ें डिसाइड करके बैठता ना उसके मन में चोर होता है, फिर वो सोचता है कि यार बस बोल दो। मैं ऐसा आदमी हूँ, अभी जो वीडियो बना रहा हूँ ना वही बात कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि मैं, मतलब मैंने प्री प्लान किया हुआ कि मुझे जब मैंने वीडियो बनाई तो मुझे ये बात रखनी है, तो इस तरीके आदमी बिल्कुल भी नहीं हूँ। गाइस थैंक यू सो मच, अपना प्यार देते रहिए और मुस्कुराते रहिए, अच्छे से रहते रहिए, और अच्छे से रहिए और प्यार देते रहिए, मालपूड़े खाते रहिए, मालपूड़े खाने क्या हुआ, हाँ किसी को मालपूड़ा खाना, पहले तू खा ले मालपूड़ा ना फिर बोलो, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस कल के ब्लॉग में, और आज तारीख थी 14 जनवरी, और सबने मकर संक्रांति क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति बनाई होगी, सबने बनाई होगी, सबके घर में खिचड़ी, और खिचड़ी के तीन यार, ये मेरा टाइटल होगा याद रखना, खिचड़ी के तीन यार, देसी घी, दही और अचार। थैंक यू सो मच गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जो है दबा दिए करें, क्योंकि उससे क्या होता है आने वाली जितनी भी मेरी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। गाइस थैंक यू सो मच गाइस, लव यू एंड टेक केयर।